यदि लगता है कि इंटरव्यू जैसी चीज को यदि आप फेस करते हैं, कभी कहीं इंटरव्यू देने से आपका सामना होता है, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आज मैं अपने अनुभव और अपना ज्ञान आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जो मेरा करियर था, करीब 12 साल का था, करियर में मैंने कई सारे रोल्स को निभाया है और इनमें कई सारी चीजें मैंने सीखी हैं। अभी जो मैं अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, इन्हीं सारे रोल्स में जो बेस्ट चीजें जो मैं सीख सकता था, उन सारे चीजों का निचोड़ यहाँ मेरे बिजनेस में मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसको अमल में लाया है। तो दोस्तों, आइए इंटरव्यू को थोड़ा गहरे तौर पर समझते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू का हिंदी शब्द है साक्षात्कार। साक्षात्कार का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर साक्षात प्लस कार, साक्षात धन कार, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। अपने आप को किसी के सामने साक्षात रूप से प्रस्तुत करना ही इंटरव्यू कहलाता है। मतलब आप अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो हुई दोस्तों शब्दार्थ की बात। जब आप किसी के सामने साक्षात रूप से बैठ जाते हैं, तो वो व्यक्ति आपसे व्यक्तिगत सवाल भी पूछ सकता है, आपसे निजी सवाल भी पूछ सकता है, आपसे पेशेवर सवाल भी पूछ सकता है, और आपको इन सब चीजों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और यही एक इंटरव्यू। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू फेस करने से पहले, इंटरव्यूअर के सामने बैठने से पहले आपकी मानसिकता के बारे में यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार करना इंटरव्यू, अच्छे इंटरव्यू के लिए सबसे पहली चुनौती है। जब भी आप किसी इंटरव्यू को फेस करने के लिए जा रहे होते हैं, तो उससे पहले पहले आपको बहुत सारे अभ्यास की जरूरत पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सही मानसिकता की जरूरत पड़ती है। जो मानसिकता है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे करूंगा, मेंटालिटी। इंटरव्यू देने से पहले पहले आपको बहुत ही शांत, मतलब काम दिमाग से काम करना चाहिए। शांत दिमाग आप तब अचीव कर सकते हैं जब आप अपने दिमाग को शांत करने वाले कुछ प्रैक्टिसेस करें। जैसे कि यदि कुछ लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करने से, ध्यान लगाने से आपका मन शांत हो सकता है, तो आप उसको बिल्कुल अमल में लाइए और अपने मन को शांत कीजिए। विचलित मन जो है वो आपको सही विचारों का आदान प्रदान नहीं करने देगा। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि कुछ लोगों को लगता है कि पूजा पाठ करने से, अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को याद करने से अगर आपका मन शांत होता है, तो इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करें, बिल्कुल अमल में लाएं। साथ के साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आपको अपने आप को व्यवस्थित करने की जरूरत है। आप जो भी विचार व्यक्त कर रहे हैं, यदि आपने उनको व्यवस्थित रूप से नहीं व्यक्त किया, तो आपकी जो ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है, जो सारा परिश्रम है, ये फेल हो जाता है। इसमें एक और चीज भी है, व्यवस्थित होने का मतलब होता है कि आप कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात पहुंचा सकें। प्रशिक्षण इसमें एक और तरीका है। प्रशिक्षित तो हमको होना ही होना है, प्रशिक्षण के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, दृष्टिकोण, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने जाता हूं मैं आपसे, जिसमें कि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग, एक टोटल पैकेज है आपके अंदर, कई सारे खूबियों का, गुणों का, अवगुणों का एक मिश्रण है। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूअर को वो प्रेजेंट करना होता है जो कि उसके लिए जरूरी हो, मतलब इंटरव्यूअर के लिए जरूरी हो। तो आपको थोड़ा सा यहां पर सोचने की जरूरत है कि एक इंटरव्यूअर जो है वो क्या चीजें देख रहा है आपके अंदर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अपने पूरे अनुभव में, पूरे अपने 12 साल, लगभग 12 साल के इंटरव्यू लेने के पूरे पूरे अनुभव में, मैं कौन सी चीजें थी जो कि एक किसी भी कैंडिडेट के अंदर खोजने की कोशिश करता था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो चीजें, जो सवाल जो पूछे जाते हैं, उन सवालों के अंदर जो इनका भाव छुपा रहता है, उसमें क्या चीजें हम खोजने की कोशिश करते थे। पहली चीज तो हम ये खोजने की कोशिश करते थे कि जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है उसकी संचार प्रणाली कैसी है, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है। साथ के साथ हम ये देखते थे कि व्यक्ति के अंदर अनुशासन है कि नहीं, वो डिसिप्लिन है कि नहीं। साथ के साथ हम ये भी देखते थे कि किसी काम को दिए गए समय अवधि काल में वो पूरा कर सकते हैं कि नहीं, मतलब टाइम बाउंड है कि नहीं। प्रतिबद्धता उनमें से एक और बहुत बड़ा एक रोल होता था कि कमिटमेंट आपके अंदर है तभी वो कार्य आपका पूरा हो पाएगा। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे कि आप एक टीम प्लेयर हैं कि नहीं, आप कमांड्स को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। इसी प्रकार की चीजें दोस्तों एक इंटरव्यूअर जो है वो खोज रहा होता है किसी भी इंटरव्यूई के अंदर। तो इन चीजों को हम यहां पर देखते हैं। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के क्वेश्चंस, किस प्रकार के सवालात हमसे किए जाते हैं।
आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही सवाल है जो आप ज्यादातर किसी भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी के दौरान देखते हैं। समस्या ये नहीं है कि हमें सवाल नहीं पता, समस्या ये है कि हमें उन्हें सही तरीके से जवाब करना नहीं आता। तो आज मैं आपकी इसी समस्या का निदान करने वाला हूं। ये जो सवाल आपके सामने है, इन सवालों को मैं दोहराऊंगा नहीं, आप खुद पढ़ सकते हैं इन सवालों को। आइए यहां पर देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब यहां आपके सामने एक पूरी सूची है जिसमें कि मैंने बहुत बेसिक सवालों को यहां पर रखा हुआ है। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो फ्रेशर्स हैं और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, यदि है तो भी बहुत अच्छी बात है। यदि इसमें कोई ऐसा सवाल आता है जो कि आपके अनुभव से जुड़ा हुआ है तो आप, और आप, आपके पास अनुभव नहीं है तो आप उसे दरकिनार कर सकते हैं, उसे इग्नोर कर सकते हैं, दूसरे सवालों की ओर ध्यान दे सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल आपके सामने बन सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको इनके जवाब नहीं दूंगा, इनके जवाब तो आपको खुद खोजने होंगे। मैं आपको जवाब देने का तरीका जरूर बताऊंगा, लेकिन जो चीज हमको नोटिस करनी है, जिस चीज पर हमको यहां पर ध्यान देना है, उन बातों को मैं यहां पर आपके सामने साझा करना चाहता हूं। पहली चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं इन सवालों के माध्यम से, वो ये है कि ये जो सारे सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे निजी सवाल है दोस्तों। इनमें कोई भी सवाल ऐसा सवाल नहीं है जो कि टेक्निकल हो, मतलब इसके लिए आपको कोई विशिष्ट ज्ञान लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल निजी सवाल है। तो ध्यान देने वाली बात कि सारे सवाल पर्सनल क्वेश्चंस हैं, निजी सवाल हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आप ही इन सवालों का सबसे बेहतरीन जवाब दे सकते हैं, आपसे बेहतर, क्योंकि अपने आप को कोई और जानता ही नहीं है। इसलिए मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं, ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस में आप अपने आप को सामने वाले के समक्ष इस प्रकार से रखते हैं कि आप सबसे ज्यादा स्कोर करके ले जाते हैं, आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस में, इन सवालों में जो सबसे बढ़िया जवाब हो सकता है वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। लेकिन एक और बात जो मैं आपके दिमाग में डालना चाहूंगा वो ये है कि इन सारे सवालों को जब आप पढ़ते हैं तो इनके जवाब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बनने शुरू हो जाते हैं। अब जब आप उन जवाबों को किसी इंटरव्यूअर के सामने व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी सवाल का जवाब जो है वो गलत नहीं होगा। मतलब आप अपने जवाब को लिखने से पहले, आप अपने जवाब बनाने से पहले इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा जवाब सही है या गलत है, क्योंकि इसमें कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया, एक इंटरव्यूअर के तौर पर सोचेंगे तो आप ये जानने की कोशिश करिए, ये समझिए कि एक इंटरव्यूअर इन सारे सवालों का सही जवाब आपसे नहीं चाहता। इंटरव्यूअर इन सारे सवालों को पूछ करके आपसे सिर्फ ये देखना चाहता है आपसे कि आपके अंदर सही संचार प्रणाली, आप बिल्कुल सही कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से हमारे सामने व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, इसके अलावा आप जो कह रहे हैं उस बात में कोई दम है कि नहीं। आप चाहें तो किसी भी तरीके से कोई भी एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आप लेकर के इनमें से किसी भी सवाल का जवाब जो है वो उनको बता सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, प्रिपरेशन मतलब तैयारी, ये किसी भी चुनौती का सबसे जरूरी पार्ट होता है। यदि आप किसी चुनौती का सामना करने वाले हैं और आपकी तैयारी में कमी है तो ये मान के चलिए कि जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे होंगे उस दिन आप घबरा रहे होंगे। इंटरव्यू देने वाले दिन कितना डर लगेगा या आप कितना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, तो इसी चीज पर मैं आपसे कुछ बातें यहां पर साझा करना चाहूंगा जिसमें कि तैयारी करने के लिए आपको क्या चीजें पहले करनी पड़ती हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो सोच है वो बहुत मायने रखती है दोस्तों। सोच के दायरे को हमको बढ़ाना है और हमको अपने आप को इस चीज के अंदर फंसा करके नहीं सोचना है, हमको थोड़ा ऊपर ऊपर से सोचने की जरूरत है दोस्तों। तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, आप किसी भी इंटरव्यू को अगर फेस करने जा रहे हैं तो उस इंटरव्यू में आपकी तैयारी सुनिश्चित करेगी कि आप कितना कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज, आपके
तैयारी के साथ साथ आपने उसका कितना अभ्यास किया है इस चीज पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। पर यहाँ पर मैं आपको प्रिपरेशन के लिए कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, तैयारी करने से पहले पहले यहाँ पर शोध करने की जरूरत है। जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कितने लोगों के सामने इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो जो लोग हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से आते हैं, साथ के साथ वो कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, कितने एम्प्लॉयज काम कर चुके हैं, कितने देशों में ऑपरेट करती है, कौन से बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये जनरल नॉलेज वाली बातें हैं, सामान्य ज्ञान वाली बातें हैं जो हर एक को पता होनी चाहिए। जब आप ये तैयारी करके जाते हैं तो आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठ करके इन ज्ञान की बातों को उनके सामने प्रस्तुत करके ये दिखा सकते हैं कि हाँ, आपने कितनी तैयारी करी है। साथ के साथ जब आप किसी जॉब प्रोफाइल या जॉब लिस्टिंग को देख करके और उस पर अप्लाई करके, जैसा कि आपने सेशन 3 में देखा होगा, जब आपको किसी इंटरव्यू का कॉल आता है तो वहां पे जॉब की प्रोफाइल दी जाती है कि आपको जॉब लिस्टिंग में कौन कौन सी खास विशेषताएं चाहिए। तो जब आप ये देखते हैं कि कंपनी को आपसे क्या चाहिए, किस प्रकार का चरित्र या किस प्रकार की क्वालिटीज वो वहां पे देख रहे हैं, विशेषताएं खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे कि कोई विशेषता जो वो खोज रहे हैं क्या वो विशेषता आपके अंदर है कि नहीं। जब आप ये चीज उनको बता सकते हैं कि हाँ, जो आप खोज रहे हैं वो मेरे पास है, तभी आप इंटरव्यू में ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज वो ये है कि दोस्तों, कि आपको अपने जो भी सवाल, जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ ऊपर 11-12 सवाल दिए थे, इसी प्रकार से एक सवालों की सूची बना लेनी है दोस्तों। उन सवालों की सूची बनाने के बाद आपको वहां पर उसके उत्तर लिखने का अभ्यास करना है। जब आप उत्तर लिखते हैं किसी चीज का, तो लिखने से आपके दिमाग में जो ख्याल है वो व्यवस्थित होते चले जाते हैं दोस्तों। लिखना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आप लिखेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, तो इसलिए लिखने पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरे इंटरव्यू लेने के करियर में करीब 200 से ज्यादा लोगों को जिनको मैंने हायर किया है, उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मुझे 1000 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लेने की जरूरत पड़ी। और ये जो 1000 लोग जिनसे मैंने इंटरव्यू लिए, उनसे कुल मिलाकर के वही घूम फिर के 30-40 सवाल ही पूछे जाते हैं, और उन 30-40 सवालों के जो जवाब होते हैं वो लिखित तौर पे यदि आप देखेंगे तो सिर्फ 15-20 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके जवाब थोड़े अलग हो सकते हैं, बाकी जितने भी आपके सवाल हैं वो इन्हीं जवाबों के साथ फिट हो जाते हैं। इसका मतलब आपको तैयारी बहुत ज्यादा नहीं करनी है, मतलब आपको बहुत सारे प्रश्न नहीं सोचने हैं, आपको लिमिटेड एक सेट नंबर ऑफ प्रश्न सोचने हैं और उनके सही जवाब को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार उसको आपको अभ्यास करना है। जब आप अभ्यास करेंगे तो उसको समय अनुसार देने का प्रयास करें। मतलब किसी भी सवाल का जवाब जो है वो आप 2 मिनट से ज्यादा ना बोलें। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं तो मात्र 2 मिनट काफी है अपने भाव को बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए। तो इसलिए समय का ख्याल रखें। देखिए, क्योंकि इंटरव्यूअर अपने स्केड्यूल में से, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए समय निकाल के लाया है, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि उनका समय व्यर्थ आप ना करें। चलिए, इसके साथ साथ एक और जरूरी चीज जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हम उसके बारे में भी आज सीखेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बेसिकली जो होती है वो सवाल जवाब के बाद आती है, तो इसके बारे में हम अगली कुछ स्लाइड्स में आगे जाकर के सीखेंगे। तैयारी का अगला जो चरण है दोस्तों, उसमें मैं आपको ये साझा करना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड होने वाली है जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलेगी कि प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाए। तो दोस्तों, आपको ये चीज बताने में मुझे अत्यंत हर्ष अनुभव होता है कि जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो उस पूरी वार्तालाप का नेतृत्व करता है, ना कि जो इंटरव्यू ले रहा होता है, क्योंकि इंटरव्यू एक द्विपक्षीय वार्ता है। मतलब आप सिर्फ अकेले नहीं है, जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उसने कोई सवालों की लिस्ट नहीं बना रखी है आपसे पूछने के लिए कि आप उनके सामने जाएंगे साक्षात तौर पर और वो एक के बाद एक सीक्वेंस में आपके क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये एक वार्तालाप है, ये एक डिस्कशन है, इसलिए आप जो बोलेंगे उसी
उसी कंटेंट में से आप जो भी बोल रहे हैं उसी में से जो आपको कुछ ना कुछ ऐसे शब्द निकल के आएंगे जो नए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आएगा जो कि अगला सवाल बनाने के लिए बिल्कुल एक सही शब्द होगा। तो इस प्रकार से जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, पूरी जो वार्तालाप होती है, उसका आप नेतृत्व करते हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम समझते हैं। अंक अर्जित करने का आपको सही तरीका जानने की जरूरत है दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि फ्रेशर्स के लिए यदि आपको कभी भी कोई भी पॉइंट आपको अचीव करना है, मतलब किसी क्वेश्चन में आपको सबसे बढ़िया स्कोरिंग करनी है, तो दोस्तों आपको यूनिक होना पड़ेगा, आपको विशिष्ट होना पड़ेगा, आपको अनोखा, आपको अद्वितीय होने की जरूरत है। इसका मतलब आप अद्वितीय हो सकते हैं किसी भी बात पे, आप अपने जवाब के लिए अद्वितीय हो सकते हैं, आप अपने जवाब को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं आप उसमें एकदम अनोखे हो सकते हैं, आप अपने जवाब में क्या बोल रहे हैं उसका एक उदाहरण, बहुत ही अनोखा उदाहरण दे सकते हैं, आप इंप्रेस कर सकते हैं ज्यूरी को, पैनल को। तो यहां पर स्कोर करने का जो सबसे सही तरीका होता है वो ऑब्वियसली ये होता है कि आप अपने आप को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, लेकिन उसके साथ साथ आप अनोखे रहें, अद्वितीय रहें, बिल्कुल विशिष्ट तौर पर आप बिल्कुल दूसरों से अलग दिखाई दें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो जब भी एक इंटरव्यूअर बहुत सारे रिज्यूमेस के बीच में छाट रहा होगा तो आपके नाम का रिज्यूमे जो है वो अलग रखा जाएगा कि भाई इस व्यक्ति को तो हमको परखने की और जरूरत है। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है कि आपको नेतृत्व करना सीखना पड़ेगा। वार्तालाप का नेतृत्व करना सीखने के लिए हम लास्ट पॉइंट पे जाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, तो इस पॉइंट को अभी यहां छोड़ देते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है कि आपको कॉन्वर्सेशन लीड करना आना चाहिए। कॉन्वर्सेशन लीड करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि पूरे वार्तालाप के दौरान आपको जिज्ञासा बनाए रखनी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। हम सब जानते हैं कि ताश के पत्ते का खेल कैसे खेला जाता है, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि हुक्म का इक्का जो होता है वो उसमें सबसे बड़ा होता है, एस ऑफ स्पेड, राइट। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम पहली चाल में ही हुक्म का इक्का नहीं फेंकते, हम उसको आखिरी चाल के लिए बचा के रखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्वर्सेशन, जब आप किसी से वार्तालाप कर रहे होते हैं तो आपको सारी जानकारी जो है वो एक बार में नहीं देनी होती। आपको जिज्ञासा यदि बढ़ानी है तो आपको जानकारी सिर्फ उतनी ही देनी है जितनी जानकारी से सामने वाले के मन में जिज्ञासा बढ़ सके। एक उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। सबसे कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब इस प्रश्न का उत्तर जो है वो लोग बिल्कुल वही देते हैं जो उनके सीवी में लिखा होता है कि हम यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ बड़े हुए, हमारी उम्र इतनी है, हमारे पिताजी का नाम ये है, हमारी माताजी का नाम ये है, हम इस शहर में रहते हैं, हमने इस कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करी, हमने 12वीं में इतने अंक अर्जित किए, हमने 10वीं में इतने अंक अर्जित किए। ये वो फैक्ट्स हैं दोस्तों जो कि आपको ऑलरेडी आप दे चुके हैं, आपके बायोडेटा में लिखा हुआ है ये सब कुछ। लेकिन जिज्ञासा यदि आपको वहां पर डेवलप करनी है, अगर आपको जिज्ञासा वहां पर जगानी है, तो आपको किस प्रकार का जवाब देना होगा, मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। यदि आपसे पूछे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप अपना नाम जरूर बताइए, जैसे मेरा नाम लोकेश चंद्रा है। फिर आप उसके बाद डेटा में जाने के बजाय, व्यक्तिगत पॉइंट्स बताने के बजाय, आप अपने अंदर झांकिए और अंदर से कुछ चीजें बताइए, जैसे मैं एक पुत्र हूं, मैं एक पति भी हूं, मैं एक पिता भी हूं। अब आपने किसी बात को ऊपर ऊपर से बता दिया, अब इन बातों पे एक जिज्ञासा जागती है, जैसे मैं एक पुत्र हूं तो आपके माता पिता क्या करते हैं, मैं एक पति हूं तो आपकी शादी को कितना समय हो गया, आपके विवाह को कितना समय हो गया, आप एक पिता भी हैं तो आपके कितने पुत्र या पुत्रियां हैं। तो ये सारे सवाल हमने छोड़ दिए इंटरव्यूअर के ऊपर कि वो हमसे पूछेगा तब हम उसका जवाब देंगे, लेकिन अभी हमको जो जानकारी उसको देनी है वो ऊपर ऊपर से जानकारी देनी है, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है। इसी प्रकार से आप अपनी जिज्ञासा जो है वो बनाए रख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ यहां पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि जब आप फ्रेशर होते हैं तो लोग ये बात जानते हैं कि आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत ही कम होगी, तो आपसे उम्मीद क्या की जाती है कि आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में कितना अच्छे से जानते हैं। यदि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप ये जानते होंगे कि आप यदि कबड्डी खेलते हैं या खो खो खेलते हैं तो आपको ये पता है कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं, एक टीम में कैसे काम करना है ये बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी प्रकार से यदि आप एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, एक टेनिस प्लेयर हैं, या मान लीजिए
आप तीरंदाजी बहुत अच्छा करना जानते हैं, तो ऐसी चीजों में आपका फोकस बहुत ही अच्छा होता है। आप अकेले काम कर रहे होते हैं लेकिन आपका कमिटमेंट, आपकी प्रतिबद्धता बहुत अविश्वसनीय होती है। तो इस प्रकार से आपको अपने अंदर अपने व्यक्तिगत चरित्रों को बाहर लेकर के आना है। यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू देने के समय आप अपना चरित्र चित्रण कर रहे हैं और उसको व्यक्त कर रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने। यदि आप अपने अपने आप के बारे में बहुत अच्छे से अगर सामने वाले को बता पाए, झूठ नहीं बताना है दोस्तों, सच बताना है, बिकॉज अगर आप सच बताएंगे तभी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। कहीं पे भी अगर आपने बातों को गोलमोल घुमाने की कोशिश करी तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और वो चीज हम नहीं चाहते। तो दोस्तों सच बताइए लेकिन सवालों के जवाब को व्यक्तिगत रखिए। व्यक्तिगत रखने का मतलब सिर्फ आप ही जानते हैं उस चीज को जो आप बता रहे हैं कि आपका चरित्र किस प्रकार का है। इसके साथ साथ आखिरी पॉइंट पे आते हैं, वो सबसे जरूरी पॉइंट है दोस्तों नेतृत्व करने के लिए, जो आखिरी यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको ये प्रयास करना है दोस्तों कि उत्तर जो भी आप लिख रहे हैं उसकी आखिरी पंक्ति से एक नया प्रश्न बनाया जा सके। ये सार है, ये किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने का सबसे सही और सबसे आसान तरीका है। जिज्ञासा बनाए रखिए, आखिरी लाइन एक ऐसी बोलिए जिससे कि अगला प्रश्न जो है वो बन सके। यही सही मायनों में किसी भी वार्तालाप का नेतृत्व करने का एक अचूक रामबाण इलाज है। मतलब आपने जवाब तो दिया ही दिया, जिज्ञासा बना के रखी, लेकिन आखिरी जो पंक्ति थी उसमें आपने किसी एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिस शब्द से एक नया सवाल बनाया जा सके। यदि आपने उन जवाबों को लिखने के लिए एक ऐसी पंक्ति का इस्तेमाल कर दिया आखिरी पंक्ति का उस जवाब में, तो आप समझिए दोस्तों ये युद्ध आप जीत चुके हैं। बस यही आपको डेवलप करना है। आपने आंसर्स को इस प्रकार से लिखना है, अपने उत्तर को इस प्रकार से लिखना है कि उसकी प्रणाली जो है लिखने की वो इन पॉइंट्स के थ्रू होकर के जाए। यदि आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए आपको इंटरव्यू में विफलता दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इसी बात पर हम अगली स्लाइड पर जाते हैं और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपत्ति प्रबंधन। आप ये मानिए दोस्तों कि यदि आपसे इंटरव्यू के सारे सवाल जब पूछ लिए गए हैं उसके बाद आपसे यदि किसी भी विषय पर चर्चा होती है तो वो ऑब्जेक्शन ही होता है। ऑब्जेक्शन मतलब किसी बात पे आपत्ति करना। आपत्ति करने का मतलब ये होता है कि आपसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि यदि आप किसी काम को करने के लिए सक्षम नहीं हैं तब भी आप किस प्रकार से साबित करेंगे कि आप सक्षम हैं। तो दोस्तों इसके चार चरण होते हैं, अंग्रेजी में इसको मैं सिंपल चार शब्दों में बोल करके आपको बताऊंगा। अंडरस्टैंड, वैलिडेट, एड्रेस और रिज्यूम। अंडरस्टैंड का मतलब होता है दोस्तों कि आप किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचे। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, समस्या जब आपके सामने आती है तो समस्या आपके सामने जब आई है तो हो सकता है कि वो समस्या बड़ी होकर के आई हो। उस समस्या का समाधान आप तब निकाल सकते हैं जब आप एक कदम पीछे ले लें और वो समस्या जब छोटी थी तब उसको समझने का प्रयास करें। तो आपसे अभी पोल में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे किसी भी सवाल का जो है वो जवाब लेने के लिए आपसे आप क्या उसके सही मतलब को समझ सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको, आप कभी किसी इंटरव्यू में गए और आपको इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि दोस्त आपके पास एमबीए की डिग्री नहीं है, हम चाहते हैं कि यहां पर एमबीए वाले को हम प्रेफरेंस दें और एमबीए करने वाले से हमको ज्यादा काम निकल सकता है। तो सोचिए दोस्तों आप यहां पर कहेंगे कि भाई हाँ मेरे पास एमबीए की डिग्री नहीं है, लेकिन क्या आप इसी प्रकार से अपनी विफलता अपने हाथ में लेकर के आ जाएंगे? नहीं, आपको एक चांस मिला, एक मौका मिला है कि आप उसका एक सही उत्तर दे पाए। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप एमबीए नहीं करके आए हुए हैं और फिर भी आप यहां पर इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति ने इस सवाल को क्यों आपसे पूछा है। तो आप यदि उनसे ये पूछ सके कि सर एमबीए की क्वालिफिकेशन जो है वो क्या इसमें मैंडेटरी है, क्या कोई ऐसा काम है जो सिर्फ एमबीए वाला ही कर सकता है और दूसरा कोई व्यक्ति सीख करके नहीं कर सकता? यदि आप ये सवाल पूछ लेते हैं तो इंटरव्यूअर को यह समझ में आ जाता है कि आपके पास एक डिग्री या एक क्वालिफिकेशन ना होना आपके मानसिकता पे कोई बाधा नहीं बन रही है, आप उसके आगे निकल करके उसको सॉल्व करने को तैयार है। अब आप उसको आपत्ति को आप वैधता दीजिए कि सर आप इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से उदाहरण दे रहा हूं कि सर मैं समझ सकता हूं कि आप यहां पर इस पोजीशन के लिए किसी एमबीए के ग्रेजुएट को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही कर रहे हैं क्योंकि एमबीए ग्रेजुएट जो है वो मैनेजमेंट के बारे में काफी अच्छा जानते होंगे और काफी अच्छा कर भी सकते हैं। लेकिन
अब आप यहां पर समस्या पर चर्चा कर सकते हैं, अब आप अपने पक्ष को सामने रखिए। यदि आप वैलिडेट नहीं करेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि हाँ आप उनके आप आपत्ति को सही से समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए। अब आप उनको एड्रेस कीजिए। एड्रेस करने का मतलब आप उसका निवारण कीजिए उस समस्या का, जिसमें कि आप उनसे कहिए कि सर मैं समझ सकता हूं कि आपको MBA ग्रेजुएट इस चीज के लिए चाहिए, पर MBA करने पर मैनेजमेंट की स्किल्स आपके सामने आती हैं, हमारे अंदर बहुत सारा पैशन है, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो एक MBA के ग्रेजुएट के पास भी होती हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद हर MBA ग्रेजुएट के पास ना मिले। जैसे कि मैं बहुत ही तेजी से किसी काम को सीख लेता हूं। यदि मैं किसी काम को तेजी से सीख लेता हूं, कम समय में सीख लेता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कंपनी के समय की बचत कर रहे हैं, आप कंपनी के पैसों की बचत कर रहे हैं। यदि आप ऐसा कुछ कह सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके लिए आपत्ति आपत्ति नहीं रहेगी, आपत्ति जो है वो आपदा की जगह अवसर बन जाएगी। और इसी अवसर का हमें सबसे ज्यादा फायदा उठाना होता है। आपत्ति जो होती है वो इसलिए होती है कि इंटरव्यूअर ये देख सके कि आप किसी चुनौती को किस तरीके से पूरा करते हैं। और उसके बाद जो चौथा चरण है, जो कि लिखा हुआ है रेज्यूम, रेज्यूम का मतलब आप जिस कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो वार्तालाप कर रहे हैं, आप उसको नेचुरली आगे बढ़ाइए जिस तरीके से आप बढ़ा रहे थे। तो दोस्तों ये वो स्लाइड्स हुई जो बहुत जरूरी थी, जो आपको इंटरव्यू में तैयार करने के लिए, इंटरव्यू में तैयारी करने के लिए यहां पर मदद करती हैं। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर दो प्रमुख बिंदु जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो ये है कि आखिरी समय की तैयारी विफलता की ओर लेकर के जाती है। यदि आपको पता है कि आपका इंटरव्यू 3 दिन में है और आप आज तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपके पास समय कम है। समय की कमी और समय का सदुपयोग ना करना ही आपको विफलता की ओर ले जाता है। इसलिए आप इंटरव्यू के कॉल का वेट मत कीजिए। आज आप मेरे से बातचीत करने के बाद, आज अभी इसी क्षण से आप इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको इंटरव्यू के समय या इंटरव्यू की जब कॉल आती है तब आपको परेशान होने के लिए बिल्कुल भी यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास कर पाएंगे उतना ज्यादा आप सफलता के निकट आ पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, निरंतर अभ्यास से ही सफलता का रास्ता है, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा दोस्तों कि निरंतर अभ्यास करने के लिए आपने जो सवालों के उत्तर जो लिखे हैं उसको आप इतनी अच्छी तरीके से अभ्यास कीजिए, इतना बढ़िया तरीके से आप निरंतर अभ्यास कीजिए कि आपको यदि रात में 3 बजे भी कोई नींद से उठा करके उस सवाल का जवाब पूछे तो आप मुस्कुरा करके उसका जवाब दे सके। दोस्तों इन सवालों के जवाब की प्रैक्टिस आप अपने दिमाग को इस तरीके से प्रशिक्षित कीजिए कि आप कांच के सामने, आईने के सामने बैठ करके, घड़ी लेकर के आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी भी नए व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आप अपने मित्रों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अपने मित्रों के सामने जाइए और अपने मित्रों को कहिए कि भाई आप मेरा इंटरव्यू लो, आप चाहो तो आप कोई भी सवाल पूछ लो लेकिन आप मेरा इंटरव्यू लीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि जो सवाल आपके सामने, जो आपने जिन सवालों का अभ्यास किया हुआ है, उन सवालों को आप किसी व्यक्ति के सामने आई कॉन्टैक्ट, मतलब नजरों से नजरें मिला करके वो आप बात बोल सकें। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो आपका शरीर है, वो कुछ चीजें बहुत क्लियरली दिखा देता है। आपकी तैयारी ही दिखाएगी कि आप कितना कॉन्फिडेंट है, आपकी तैयारी ही बताएगी कि आप कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं किसी इंटरव्यू को लेकर के। आपके अंदर से डर जो है वो बिल्कुल बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, आप बिल्कुल डरने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते होंगे एग्जाम के समय जो टॉपर्स होते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन जो फेलियर्स होते हैं, जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो पीछे बैठते हैं, वो घबराए हुए रहते हैं कि भाई हमारी तो तैयारी नहीं हो पाई, हम कैसे आंसर लिखें। उसमें सिर्फ एक ही अंतर होता है कि आपने कितना समय तैयारी को दिया है। यदि आपने तैयारी को सही समय दिया है दोस्तों, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसी के साथ मैं एक दोहे को यहां पर आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगा। ये दोहा कबीर का है और बहुत ही आसान सा दोहा है, आप सबने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा। ये दोहा कहता है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। इसका मतलब जिस प्रकार कुएं में रस्सी जो लगी रहती है, वो कुएं की जो सिल होती है, जो बाउंड्री होती है दोस्तों, रस्सी इतनी कमजोर नाजुक होने के बावजूद भी, लगातार उसमें घिसने के बाद भी वहां ईंट पर चोट कर जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार आपके निरंतर अभ्यास से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी सफलता बिल्कुल आपके सामने होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप अंग्रेजी में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं,
लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है दोस्तों कि आप जो बात करते हैं वो स्पष्ट करते हैं कि नहीं, वो सटीक तौर पे करते हैं कि नहीं, और अपने भावों को आप सही तौर पे व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। बस इन्हीं कुछ पॉइंट्स के साथ मैं अपनी वाणी को यहां पर विराम देना चाहूंगा और आप सभी का फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपने इस बेशकीमती शेड्यूल में से थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाला और यहां पर हमें ज्वाइन किया और कुछ चीजें यहाँ पर आपने हमारे साथ समझने की कोशिश करी। और मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने अनुभव से और अपने कि आप मेरे पास जो ज्ञान है उसके साथ मैं आपसे कुछ चीजें साझा कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।